वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। टुडे वी डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन सम पॉइंट्स। मैक्स, द मैक्स, मैक्स को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो इट मीन्स द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यूज। जो मैक्सिमम फंक्शन होता है उसका काम होता है दिए गए वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यूज का आउटपुट देना। इफ यदि आपके पास C2 से लेकर C6 तक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये क्या आपके सेल रेफरेंस यानी कि एड्रेस दिए हुए हैं आपके सेल के, इनमें कुछ नंबर्स हैं 254, 234, 260, 255 एंड 275, देन तो जो मैक्सिमम नंबर होगा किस में से बताना है हमें, C2 से लेके C6 तक, वो जाएगा आपका 275। मिनिमम सेम इसी के अपोजिट हो जाएगा आपका मिनिमम। द मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर देगा किसी भी वैल्यूज के सेट में से। सेम प्रोसीजर, अगर आपने C2 से लेके C6 तक सेम नंबर आपने दिए हैं तो उसमें आपका जो मिनिमम सबसे छोटा नंबर है वह हो जाएगा 234। ये तो मैंने आपको सेम दिया है, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी वो आप चेंज कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जितने भी आपको सेल जो है चाहिए। प्री डिफाइंड फॉर्मूला क्या होता है? प्री डिफाइंड फॉर्मूला परफॉर्म कैलकुलेशंस, ये क्या काम करता है, कैलकुलेशंस करता है यानी कि गणना करता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। किसके सहायता से? किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। लेकिन काम किस में करेगा ये? इन्हें पर्टिकुलर ऑर्डर और स्ट्रक्चर यानी किसी भी काम को यह स्टेप बाय स्टेप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद भी करने हैं और उतारने भी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वह मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।